हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू राम रोज शर्मा यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, दैट इज़ क्या कोविड की वजह से हमारा वापस से रीपोस्टपोनमेंट हो सकता है जेई का एग्जामिनेशन। तो यार हुआ क्या था, पिछले 2-3 हफ्ते पहले कोविड केसेस थोड़ा रैपिडली ग्रो कर रहे थे ऑल ओवर द इंडिया, स्पेशली रिमोट सिटीज़ लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली। तो वहाँ पर कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, तो थोड़ा सा एक मन में शंका आ गई थी बच्चों के कि क्या दोबारा से जेई पोस्टपोन हो सकता है, रीपोस्टपोनमेंट के एनी चांसेस और नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है नो, सॉरी यार, बट थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट देयर इज नो सच चांस ऑफ रीपोस्टपोनमेंट ऑफ जेईई एग्जामिनेशन। बिकॉज यार तुम देखो ना, जो हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अपने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, स्कूल्स भी ऑलमोस्ट ओपन हो चुके हैं, तो सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल। सो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर हार्ड फॉर योर जेईई एग्जामिनेशन एंड वी आर ऑल अवेलेबल फॉर यू एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कोई भी पोस्टपोनमेंट दोबारा नहीं हो रहा है। हाँ, काफी सारी ऐसी न्यूज फेक न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि चांसेस होते हैं, तो चांसेस होते हैं तो एनटीए डेफिनेटली विल गोइंग टू इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग दिस। एंड एज यू ऑल नो, फ्रॉम नाउ एनटीए विल नॉट बी कंडक्टिंग योर जेईई मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड बी लाइक कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन विल बी JAB, ठीक है ना। तो JAB अब से हमारा जेईई का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है एंड देयर विल नो नॉट गोइंग टू बी एनी सच डिफरेंस। बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा क्या, पेपर टफ आ जाएगा, इजी आएगा, लेवल बढ़ जाएगा, सिलेबस बदल जाएगा। ना 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 ना, हर एक चीज़ नॉर्मल रहनी है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज थिंग्स, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स एंड प्रिपेयर हार्ड, वर्क हार्ड। और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ देखो अपने ऑफिस में, तुम भी मेहनत करो, पढ़ते रहो, लिखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी अपडेट्स के लिए। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू, लव यू बच्चा, बाय।